हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय श्लोक नंबर 9। ध्यान से देखिए। अन्य च बह वह, देखो वह के बाद जो दो डॉट हैं उनको भी ह पढ़ेंगे, पहले बह फिर वह। देखो जितने लव्स लिखे हुए ना, जितने अल्फाबेट पूरे हैं तो पूरे उच्चारण होंगे, बह वह, ठीक। उसके बाद शूरा, ये शूरा है, और उसके बाद मदर्थे, मदर्थे। र जो है वो पहले उच्चारण होगा द के साथ, मदर्थे। अब उसके बाद जो त आधा है वो य के साथ उच्चारण होगा, और उसके अंदर जो लिखा हुआ है ना क और त, उसमें क आधा है त पूरा है, तो त्यक क पे रुकेंगे फिर त पूरा उच्चारण करेंगे, कैसे त्यक त। कहीं पर भी शक्ति लिखा होता है, भक्ति लिखा होता है, भक्त लिखा होता है, तो उसी तरह से लिखा जाता है जिस तरह से ये त्यक त लिखा हुआ है ना, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे त्यक त जी वी ता हा, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः, ठीक। उसके बाद नाना शस्त्र प्रहरणाः, प्र ठीक है, र पूरा है ना, प्र। उसके बाद हर, ह पूरा है, र पूरा है, और उसके बाद णा के बाद जो ह है दो डॉट उसको ऐसे पढ़ेंगे राहा प्रहरणाहा, कैसे नाना शस्त्र प्रहरणाहा, गुड। सर्वे युद्ध, अभी यू या के साथ ऊ की मात्रा है ना, उसके बाद दो द हैं, एक ध ऊपर है एक नीचे है, तो ऊपर वाला आधा और नीचे वाला पूरा, युद्ध, ठीक है। विशारदा हा, देखो जो दो डॉट है ना आखिर के वो ह की साउंड निकालते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी मात्रा होगी वही मात्रा के साथ साउंड निकालेंगे। जैसे अभी द के साथ अ की मात्रा है तो ह के साथ भी अ की मात्रा आएगी, अगर ई की मात्रा होती तो ह के साथ भी ई की मात्रा होती, कैसे युद्ध विशारदाह, ठीक है। ऊपर वाली लाइन में भी ऐसे ही है, जो आखिरी लफ्ज है ना त्यक्त जीविताः, ठीक है। अब शुरू से पढ़ो, अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः, ठीक।